मैम तो दिल्ली में बहुत सारे कॉलेज हैं, तो आपने ये क्यों चूज़ किया? यहाँ चूज़ करने के दो रीजन्स हैं मेरे पास. एक तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर ऐसा था कि हमें पहले लोन देगा कॉलेज, उसके बाद हमें पे करना है आफ्टर प्लेसमेंट. तो अकेडमिक्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सबने PhD करी हुई है, सारे एक्सपीरियंस टीचर. मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ. सब अच्छा है, टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं यहाँ पे. एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हमें बहुत ज़्यादा चांस मिलेंगे. मैं उत्तराखंड, मैं UP के बरेली से. कॉलेज सही है, बढ़िया है. पढ़ाई वगैरह हो रही है? हाँ, पढ़ाई हो रही है. हमारा तो IBM से स्टार्टिंग में था, तो हमारा लोन IBM का था. तो बहुत ये गाइस बहुत बढ़िया है, लोन वगैरह फैसिलिटी जो है भाई वो एक नंबर है. जल्दी तो गाइस जो एडमिशन लेने आ रहे हैं IBM वाले कोर्स में, तो अगर 5-6 ब्लॉग मतलब हमारे चैनल के थ्रू आएंगे तो उनको 500 रुपये जो फीस है वो ऑफ हो जाएगी. मैं झारखंड से हूँ. अच्छा. पर हमारी एकेडमिक्स बहुत अच्छी. अच्छा, एकेडमिक्स बहुत अच्छी. एकेडमिक्स बहुत अच्छे, टीचर्स बहुत केयर, टीचर्स बहुत अच्छे हैं ना. नेचर के बीच में आइए, बास्केटबॉल चल रहा है. बास्केटबॉल चल रहा है, पंजाब आए और ट्रैक्टर में बैठे तो क्या बेकार है भाई. भाई सुनिए, ये तो लग रहा है पूरा हनीमून पे आए, इतने मस्त एंजॉय, इतना सो रहे हैं. टक शॉप पे हम लोग आए हुए हैं, बाकी ये लिया है कुछ. क्या नाम है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग. स्वागत करता हूँ आपका आज के इस नए व्लॉग में. राय साहब कहाँ आ चुके हैं हम लोग, फौरन बता दे यार. बहुत बड़ी बहुत तगड़ी खातिरदारी के बाद अब उठ गए. सोचा नहीं था कि यूट्यूब हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा. क्यों? हाँ भाई, ये दिन देखने को मिलेंगे. कहाँ पहुँच गए भाई, ये चंडीगढ़ पंजाब कहाँ पहुँच गए गाइस. इतना VIP ट्रीटमेंट है ना, जब से गाड़ियों से घूम रहे थे तो फिर खाया पिया है अच्छी जगह पे भाई. मतलब काम करने आए थे और अब भाई क्या 7 बजे थे, अब उठा रहे कैमरा भाई. फुल AC रूम गाइस. सनसेट देखिए, एक नंबर है, आगे दिखाते हैं आपको. ले वो सनसेट इंटरसेट देखो भाई, कहाँ गया अभी, कहाँ गया. सो गाइस मतलब यार इतनी प्यारी जगह है ना, कि अपने यूपी की मतलब देखिए पॉल्यूशन कितना ज्यादा है ना. हम लोग को भाई दिन भर नोटिफिकेशन आता रहता है फोन में, पॉल्यूशन इंडेक्स इतना बहुत हार्ड है. दारावत यहाँ पे तो कुछ ना भी नहीं है भाई, कचरा कहीं सड़क पे नहीं दिख रहा. पता है कोई भी ठेले, कोई बैटरी रिक्शे या फिर कोई वो क्या बोलते हैं पान की गुमटी, कुछ भी नहीं है. कैमरा ऑन करो जरा. गाइस देखिए कितना प्यारा मतलब नजारा है ना. क्यों? मौसम यहाँ पे एकदम कतलाना हो रखा है. सो गाइस हम लोग जा रहे थे यार मतलब बाहर कॉलेज की तरफ, व्यू चेक करें, फुल नेचर के बीच में आइए. बास्केटबॉल चल रहा है, गिर गया. सो गाइस देखिए, रुक जाओ यार, बात की चीज मिल गई गाइस. अरे गाइस ये देखिए गर्ल्स हॉस्टल के लिए व्यू देखिए गाइस. हां सामने भाई पूरा नजारा गर्ल्स हॉस्टल, और इधर देखिए लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं. सामने पूरा नजारा. अभी चलते हैं, थोड़ी बात करते हैं, पूछते हैं. क्यों पूरन? बिल्कुल भाई साहब, आईबी कॉलेज के बारे में बताएं. हेलो गाइस, क्या नाम है आपका? कौशल कुमार. आपका भाई? मोहम्मद अयान. हां तो आप लोग कौन सी ईयर में? हम फर्स्ट ईयर में, सेकंड फर्स्ट ईयर में है और सेकंड सेमेस्टर आईबीएम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अच्छा अच्छा, आप भैया साइबर सिक्योरिटी फर्स्ट ईयर. थोड़ी दूर कहां से आए आप लोग? मैं उत्तराखंड, मैं यूपी के बरेली से. अच्छा यूपी से है भाई? यूपी से ही है. तो भाई कैसा लगा कॉलेज? कॉलेज सही है, बढ़िया है. अच्छा, और इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाई ये बात सही है, एक नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यू. और भाई क्या भाई एनवायरनमेंट. अच्छा बताओ भाई, पढ़ाई वगैरह हो रही है कि नहीं? हाँ पढ़ाई हो रही है. अभी तो पेपर वगैरह चल रहा है. पेपर चल रहा है. IBM की क्लास वगैरह होती है सब? हाँ होती है, ट्रेनिंग के लिए आते हैं. बहुत सपोर्ट मिलता है उसे IBM वाली क्लास से? टीचर वीचर कैसे हैं भाई? टीचर अभी तो मतलब जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है. अच्छा कुल मिला के मतलब सब बढ़िया मामला है क्यों भाई? तो जिसको एडमिशन लेना है ले लें. तुम थोड़ा ये बताओ मैथ्स के बारे में बताओ. मैथ्स तो यार अभी अभी स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो थोड़ा सा लो था, लेकिन इस टाइम तो अच्छा हो गया ना. अभी तो मतलब सब इम्प्रूवमेंट हो रही है भाई, लोग कहने पे सुनते हैं. 50% प्लेसमेंट वाला वो है ना हिसाब, बढ़िया. हाँ बढ़िया है ना, सब एक नंबर है. तो क्या सजेस्ट करेंगे मतलब आइए सब लोग है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा तो IBM से स्टार्टिंग में था, तो हमारा लोन IBM का था. तो बहुत ये गाइस बहुत बढ़िया है, लोन वगैरह फैसिलिटी जो है भाई वो एक नंबर है. जल्दी से आ जाओ पंजाब. टेंशन नहीं है भाई फीस है ना. क्यों? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाइए गाइस, वरना सीट वीट फुल हो जाएंगे तो मतलब कुछ हो नहीं पाएगा. से लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक से आएंगे तो वो जो जो पेपर देना पड़ेगा ना IBM के लिए, उसके लिए भाई फ्री रहेगा, 500 रुपये फ्री. सो गाइस जो IBM वाला कोर्स है ना IBM, उसके लिए एक एग्जामिनेशन फीस 500 रुपये लगती है ना. हाँ जी. तो अगर आप लोग ने दी थी? हमने, हम लोग का नाम बताया तो नहीं देना पड़ता. तो गाइस जो एडमिशन लेने आ रहे हैं IBM वाले कोर्स में, तो अगर 5-6 ब्लॉग मतलब हमारे चैनल के थ्रू आएंगे तो उनको 500 रुपये जो फीस है वो ऑफ हो जाएगी है ना, फ्री में देने को मिलेगा. आप लोग बता दिए इन्फॉर्मेशन, अगर भाई लोग को किसी करवाना हो ना. ठीक है ठीक है गाइस, तो चलते हैं आगे, मिलते हैं और बच्चों से. बहुत बहुत मजा आ गया भाई आप लोग से, और आगे चलते हैं गाइस, मिलते हैं और भी बच्चों से, निकालते हैं मतलब ओरिजिनल रिव्यू ना. ओके भाई, इससे कुछ गर्ल्स से बात करते हैं. हम लोग जा रहे थे इधर मतलब कि अपने हॉस्टल की तरफ, एडमिन एडमिन ब्लॉक से हम लोग निकले, तो हम लोग यहाँ पे मिल गए यहीं स्टूडेंट्स यहाँ के.
तो इनसे रिव्यू ले लेते हैं ना, ले लेते हैं और रिव्यू ले लेते हैं भाई, एकदम सच्ची चीज़ so, बता देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया है। कहाँ से आई हैं आप? मैं झारखंड से हूँ। अच्छा, हॉस्टल में अच्छा लग रहा है? हाँ, हॉस्टल अभी थोड़ा एवरेज है, पर हमारी एकेडमिक्स बहुत अच्छी है। अच्छा, एकेडमिक्स बहुत अच्छी है। पढ़ाई लिखाई सब बाकी? आईबीएम का कोर्स कैसा लगा? हाँ जी, आईबीएम का कोर्स बहुत अच्छा है। अच्छा, और आपका क्या नाम है? मैं क्रिश हूँ। ओके, कहाँ से हैं? कोलकाता। तो कैसा लग रहा है? सब अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई यहाँ का कैसा लग रहा है? कैंपस तो ठीक ठाक ही है। और टीचर्स कैसे हैं? एकेडमिक्स बहुत अच्छे, टीचर्स बहुत केयर, टीचर्स बहुत अच्छे हैं ना। आपका क्या नाम है? आई एम प्रियांशा फ्रॉम आगरा। आगरा, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ का? हॉस्टल का एक्सपीरियंस एवरेज है, पर कैंपस अच्छा। खाना वगैरह क्या नहीं अच्छा है क्या अभी ज्यादा? खाना ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, हम लोग ने खाया तो ठीक लगा। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं ना। और कैंपस वगैरह सब अच्छा लग रहा है? यहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, मतलब जो कल्चर है यहाँ का? जैसे आप लोग यूपी से आए हैं तो आप लोग यहाँ पे एडजस्ट हो जा रहे हैं? मतलब सही लग रहा है? एडजस्ट हो रहे हैं, काफी अलग अलग स्टेट्स हैं, सपोर्टिव है, जो हमें एडजस्ट करने में हेल्प करती है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट से बच्चे आए हैं जो कि एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, कोई कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। एक्सपोजर यहाँ पे फुल मिल रहा है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आ सकता है। आईबीएम का कोर्स बहुत अच्छा है, सिर्फ आईबीएम के कोर्स के बारे में ही हम बता सकते हैं, बाकी कोर्सेज के तो ज्यादातर बच्चे इसी में जा ही रहे हैं। आईबीएम कोर्स ही बेस्ट है भाई, सबसे बेस्ट बढ़िया प्लेसमेंट मिलेगा। तो आप भी आईबीएम का ही कोर्स करिए, यही सजेस्ट करेंगे ना, आईबीएम का ही कोर्स करें सब लोग। तीनों लोग आईबीएम से ना? हाँ जी। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू गाइस। हम लोग आ चुके हैं अंदर गर्ल्स हॉस्टल के, है ना, विद काफी परमिशन से। कैसे हो गया भाई? तो यहाँ इंटरेक्शन करेंगे गर्ल्स से, इंटरेक्शन करेंगे। क्यों पूरन? यहाँ कॉलेज का रिव्यू लेंगे, हॉस्टल का रिव्यू लेंगे, हॉस्टल का रिव्यू लेंगे और दिखाएंगे क्या है सिस्टम। जेन्युइन रिव्यू मिलेगा। हम लोग यहाँ गर्ल्स हॉस्टल आए हुए थे, है ना, गर्ल्स से रिव्यू लेना है यहाँ का ना। तो मिल गए हमें कुछ लोग यहाँ पे, तो एक एक करके सबसे पूछेंगे। है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महक है, आई एम फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। फ्रॉम दिल्ली। तो कैसा लग रहा है? अच्छा है, काफी अच्छा है। एकेडमिक्स? एकेडमिक्स तो बहुत ज्यादा अच्छा है। टीचर्स? टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बिकॉज सबने पीएचडी करी हुई है, सारे एक्सपीरियंस टीचर। तो एक साल से हैं आप लोग यहाँ ना, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है? सेकंड सेमेस्टर बस ऑलमोस्ट खत्म है, बिकॉज हमारे एग्जाम चल रहे हैं। तो जो लोग आना चाह रहे हैं, जैसे आप जहाँ से हैं वहाँ से या और भी यूपी की जगह से, तो क्या सजेस्ट करेंगे? बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा है, लाइक एकेडमिक्स तो एक्सीलेंट है पूरा, बिकॉज आईबीएम के जो कोर्सेज हैं, आईबीएम ने जो हमें सब्जेक्ट दे रखे हैं उसका पूरा स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड करते हैं। एसएमईज उनके पढ़ाने आते हैं हमें, सेमेस्टर वाइज उनकी टाइमलाइन होती है, पढ़ाने आते हैं। प्रोजेक्ट हमें आईबीएम की तरफ से ऑलरेडी मिल चुका है, सो एक्सीलेंट है एकेडमिक्स। कैंपस लाइफ कैसा है? कैंपस लगा? कैंपस लाइफ बहुत अच्छा है। कैंपस में जब हम आए थे, हम पहला बैच है, तो हमारे आने के बाद से काफी चेंजेस हुए हैं, लाइक इंप्रूवमेंट दिख रही है, जिसमें दिक्कत थी है ना। हाँ, पहले दिक्कतें ये थी कि हम कैंपस में ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते थे, बिकॉज एनिमल्स वगैरह आ जाते थे, बट हमारे आने के बाद से काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, लाइक लाइट्स एक्स्ट्रा लगी हैं और बच्चे ज़्यादा हुए हैं, तो फिर कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई है। आपको कैसे पता चला इस कॉलेज के बारे में? एक्चुअली यहाँ पे एक सर हैं, सचिन जैन सर, ई फोर्स की हैं, वो मेरे पापा के फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था ये कॉलेज। सचिन जैन का रिलेटिव है ना, बताया? अच्छा, नाम तो बता दो रहे थे। महक, महक, महक। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्राची यादव है और मैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी से हूँ। अच्छा, तो कैसा लगा आपको यहाँ आगे? यहाँ काफी अच्छा लगा मुझे। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? जो लोग आना चाह रहे हैं आपकी जगह से या और भी कहीं से, कोई रिग्रेट तो नहीं हो रहा है? सब लोग आए, कोई दिक्कत? अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? बस एकेडमिक्स काफी अच्छे, हॉस्टल अच्छा है, बस सभी लोग आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। लखनऊ से? अरे, हम लोग भी वहीं से आए। जी, तो कैसा लग रहा है आप? सब अच्छा है, टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं यहाँ पे। एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हमें बहुत ज़्यादा चांस मिलेंगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट कभी भी हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट हमें एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैकेथॉन्स में भी पार्टिसिपेट करने के लिए चांसेस दिए गए हैं। हॉस्टल भी ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, खाने में भी दिक्कत थी पहले, बट अब वो भी काफ़ी तो सुना था, बॉयज से भी सुना था ना, बाकी सब इम्प्रूव हो गया। अच्छा, आप भी आ जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेहा यादव है, मैं मैनपुरी से हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ बोले? यहाँ पे ठीक है, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, यहाँ के टीचर्स जो हैं बहुत सपोर्टिव हैं, एजुकेशन मतलब बढ़िया है। हॉस्टल में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मैं नहीं, कोई वैसी दिक्कत नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रही है खाने। अच्छा, सजेस्ट करेंगे मतलब जो लोग आना चाह रहे हैं, है ना, ठीक है। यहाँ पे एक और लोग मिल चुके हैं, तो क्या नाम है आपका? मैं मानसा शर्मा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? आगरा उत्तर प्रदेश। आगरा उत्तर प्रदेश से आई। तो कैसा लग रहा है हॉस्टल में, कोई दिक्कत तो नहीं है? फैसिलिटीज आर फाइन। अच्छा, बेयर मिनिमम एंड अबव एवरेज, आई वुड नॉट से कि आपको फाइव स्टार फैसिलिटीज मिलेंगी,
बट आई वुड गो विद मोर कि मैं एकेडमिकली फोकस करना ज्यादा चाहती थी, दैट्स व्हाई आई केम हियर. बट तो वो चीज मिल रही है? यस, एकेडमिक्स आर फाइन. फ्रॉम आईबीएम टू माय करंट प्रोफेसर्स टू माय डीन, एवरीवन इज वेरी सपोर्टिव. एंड हॉस्टल्स आर आल्सो फाइन, दे आर गुड फॉर लिविंग, फूड इज फाइन, एंड यस मैक्सिमम टाइम स्पेंड जो होता है वो होता है ऑब्वियसली कॉलेज में. वी मोस्टली कम बैक फॉर स्लीपिंग ओनली. कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, सेमिनार्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बुला लेते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट वाज मोर. जैसे लैब की फैसिलिटी बताई थी आईबीएम लैब की, 24/7 मतलब लगभग वो रहती है, कभी भी कोई बच्चा आता है लैब यूज कर सकता है, ऐसा हो रहा है कि खाली 24/7 दिया गया है. लेकिन डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स के वो कितना यूज करते हैं. लाइक इन आवर एग्जाम यूज करना चाहता है तो मतलब ओपन रहता है ना. एग्जाम टाइम्स में दे एक्सटेंड द टाइम क्योंकि लैब के लिए एक मैनेजर भी चाहिए होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन कि स्टूडेंट्स कितना टाइम मांगते हैं, बिकॉज समटाइम्स मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक कि 10 o'clock बाद हमको नहीं जाना लैब में, तो दे क्लोज द लैब एट 8 or 9 or 10 जो भी हमारा आस्क होता है. ये सबसे अच्छी चीज़ थी बिकॉज इससे मेरे पेरेंट्स ऊपर बर्डन नहीं था, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया. एंड सेकंड रीज़न आईबीएम, आईबीएम आई थिंक इज़ द बेस्ट. ये बहुत बड़ा रीज़न पता चल रहा है ना कई लोगों से. वही तो बात है भाई, इसलिए तो जा रहे हैं यहाँ पे आओ सब. बिल्कुल बहुत सही बात बताई ना. बाकी सचिन सर ने जब रिकमेंड किया तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने अच्छा ही कॉलेज रिकमेंड किया होगा, तो फिर इसलिए यहाँ. ओके थैंक यू. सो गाइज गुड मॉर्निंग, हम लोग यहाँ पे उठ चुके हैं सुबह, काफ़ी जल्दी उठना पड़ा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम है ना. तो देखिए फोरन तो मंजन कर रहे हैं, तो बस कर लेते हैं फिर चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं. लग चुका है हम लोग का नाश्ता, शुरू हो चुका है फटाक से करके फिर अब लोग निकलेंगे अपने काम. ने फोन ही नहीं दिया दुकान तक का भाई, इस लड़के ने फोन ही नहीं दिया. भाई सुनिए, ये तो लग रहा है पूरा हनीमून पे आए, इतने मस्त इंजॉय, इतना सो रहे हैं, इनकी चादर उठा के हर से खींची तब जाके उठे हैं. यार काम पे आया हो, जिस काम के लिए आया वो काम भी तो करना है. क्या आराम के पैसे मिले हैं 1.5-2 lakh rupees. अरे गाइस रिवील हो गया भाई, सॉरी आप लोगों ने कुछ सुना तो नहीं. म्यूट कर देता हूं, म्यूट कर लगा. सो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. आई होप आप लोग को रिव्यू देख के कुछ मजा आया हो ना. गर्ल्स से काफी ज्यादा इंटरेक्शन हो गया. क्यों भाई, इतना सोचा नहीं था भाई कि गर्ल्स से इंटरेक्शन हो जाएगा. भाई गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री हो जाएगी गाइस, हॉस्टल में एंट्री होगी गाइस. तो जेन्युइन रिव्यू था जो भी था लोगों ने देख लिया भाई, गर्ल्स का मतलब ज्यादा अच्छा है. कंप्लीट लैमरिन टेक यूनिवर्सिटी का कंप्लीट रिव्यू हो गया गाइस है ना. और कैंपस टूर भी आने वाला है, शायद पहले आ जाए इस वीडियो के या बाद में आएगा ना. और उसके बाद दो इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेंगे क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं कोर ब्रांचेस का एक रहेगा, और बीटेक में जो इंटरेस्टेड है वो लोग जरूर देखें. कोर ब्रांचेस का एक वीडियो रहेगा, मैं कह रहा हूं कि यहीं लीजिए पर वीडियो जरूर देखिए एक बार लेने से पहले भविष्य के. भाई पहले जो आईबीएम वाला कॉन्सेप्ट है यार एकदम यूनिक है वो भाई, बहुत प्यारा है भाई, एक्सप्लेन किया सबको बढ़िया लगा. वो लड़की तारीफ कर दे यार, कौन सी बात बोल रही थी भाई, महक अच्छी है. हां और क्या नाम है, काफी अच्छे से इन लोगों ने. मीमांसा, मीमांसा, मीमांसा ने जो क्या कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ही अच्छी है भाई. रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, काफी कोऑपरेटिव थी, और सजेशन जो बताए वो भी बहुत अच्छे थे.